कांग्रेस महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रियंका गांधी अपने मिशन पर जुट गई हैं। प्रियंका जब 4 फरवरी को अमेरिका से भारत लौटी, तभी से उन्होंने पार्टी की रणनीति को लेकर बैठकें शुरू कर दी थीं। पहले यही कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को सिर्फ यूपी तक ही सीमित रखा जाएगा, लेकिन बाद में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि प्रियंका देश भर में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी हर चुनाव में यूपी तक ही सीमित दिखाई देती थी। उनको अमेठी और रायबरेली में ही ज्यादातर देखा जाता था, जहां से उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ते हैं। अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी की छवि को उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि से जोड़कर देखा जाता रहा है। प्रियंका वहां के ग्रामीण इलाकों में भी लोगों से मेल मुलाकात करती रही हैं और उनके इसी गुण को पार्टी भुनाना चाहती है। मंगलवार को जब प्रियंका गांधी पूर्वांचल को लेकर पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में शरीक होने जा रही थी, तो उनका काफिला औरंगजेब रोड की झोपड़पट्टी में रुका, जहां उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे से मुलाकात की और उसकी समस्याओं को समझा। तो वो तो मैं करा सकती हूँ, जितना खर्चा होता है बता दिया करो, है ना? मैं किसी को भेजूंगी। खाली हो जाए तो हम फिर इसको नहीं बैठ सकती, क्योंकि जल्दी मैं वहाँ मेरी मीटिंग है। आज मैं इनसे भागने के लिए यहाँ से पानी पी लीजिए, पानी पिलाओ तो जल्दी से पिलाओ। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद दिव्यांग बच्चा भी बेहद खुश दिखा। संभव है कि प्रियंका इसकी भाषा को ठीक से न समझ पाई हो, लेकिन उस दिव्यांग को इस बात से ही खुशी है कि प्रियंका उसके पास आई और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। आपको आपको आपने क्या बोला, क्या किया, आपसे क्या बात करी प्रियंका जी ने? दोस्त ठीक है ने? हाँ ठीक है बोला, दोस्त तुम ठीक है ना? अच्छा पूछा, आपसे पूछा क्या ठीक ठाक? दिव्यांग और प्रियंका गांधी के बीच दुभाषीय का काम किया उसकी बहन ने। प्रियंका गांधी आई थी, मैंने ये नहीं बता पाता है तो मैं इसके जगह बताती हूँ, क्योंकि मैं इसके जो ये बोलता है पापा मैं मम्मी हम लोग समझते हैं, तो वही समझ नहीं पा रही थी। मैंने बताया मैम जब आपका वो न्यूज़ चलता है तो आशीष सबसे ज़्यादा देखता है, तो बोले सच्ची में? मैंने बोला हाँ, आपकी जितनी भी न्यूज़ है सबसे ज़्यादा आशीष देखता है। फिर इससे बात किया, फिर बोला और आशीष कैसे हो, ठीक ठाक हो? दरअसल इस बच्चे से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर मिलते रहते हैं और अपने भाई की तरह ही प्रियंका गांधी के दिल में भी ऐसे लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तभी तो उन्होंने साइकिल दिलाने का वादा किया। ऐसे है, ऐसे जुग्गी में आए थे ऐसे घूमने के लिए, तो ये बाहर में बैठे हुए थे तब तो बातचीत हुआ, बोला आशीष कैसे है? तब बोला से दोस्त तुम हमारे दोस्त है, प्रियंका गांधी का मेरे दोस्त है, तुम हमारे कैसे है तुम भैया? तो बोला ठीक है हम, जब भी आज भी आए तो बोला सर मैं जल्दीबाजी में है, आज ज्यादा बैठेंगे नहीं, खड़ी खड़ी आए, बात किए हैं, पानी पिए हैं और चले गए हैं। प्रियंका गांधी का लोगों से इस तरह से मिलना जुलना पार्टी को भी भाता है, जो समझती है कि देश में उन लोगों का भी एक बड़ा तबका है जिनको हमेशा सहानुभूति की दरकार रहती है, और ऐसे में किसी बस्ती में पार्टी के बड़े नेता का यूं थोड़ी देर के लिए भी जाना इस तबके में अच्छा मैसेज दे सकता है। क्योंकि बात यूपी की करें तो वहां कुछ इसी तरह से खोई हुई सियासी जमीन को वापस लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन बीजेपी मानती है कि सिर्फ चेहरे से वोट हासिल नहीं किया जा सकता। अब हिंदुस्तान में कर्म के आधार पर नहीं, सुशासन के आधार पर नहीं, चेहरों और छवि के आधार पर यदि वोट मिलने लगे तो मैं मान के चलता हूं कि नेताओं को सलाह दूंगा कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी वो भी करवा लें। प्रियंका गांधी को यूपी के पूर्वांचल की चुनावी जिम्मेदारी मिली है, यानी उन दो अहम सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका के पास होगी, जहां वाराणसी में पीएम मोदी और गोरखपुर में सीएम योगी का बोलबाला है। प्रियंका के लिए ये राह आसान तो नहीं, लेकिन पार्टी को भरोसा है युवाओं में बेहतर पकड़ और छवि का फायदा जरूर मिलेगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में 18 से 22 साल के 51% नौजवानों ने बीजेपी को वोट किया था। प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से ये नौजवान वोट कांग्रेस की तरफ खिसक सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों के मुकाबले ज्यादा थी। अगर प्रियंका का जादू इस आधी आबादी पे चला तो ये वोट भी कांग्रेस आकर्षित करने में सफल हो सकती है।
प्रियंका गांधी के सामने तैयारियों के लिए काफी कम समय बचा है, लेकिन उनकी पार्टी को उनकी व्यवहार कुशलता और उनके काम के तरीके पर पूरा भरोसा है और इस बार पार्टी उनकी छवि को पेश कर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को पाने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।